हाय एस्पिरेंट्स, दिस इज गीतांजलि। बच्चा आपका एग्जाम आने वाला है एंड यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि यार मेरे को स्टडी प्लान चाहिए एक कि मैं किस टाइम क्या कर सकूं। तो बच्चा कम एंड लेट्स क्राफ्ट अ विनिंग स्टडी प्लान फॉर यू गाइस। ओके बच्चा, आई वांट अ फेवर फ्रॉम यू गाइस। आई वांट कि आप सुबह जल्दी उठें, ठीक है, लाइक 6 और 7 इन द मॉर्निंग। उसके बाद फ्रेशन अप और 10 से 15 मिनट और टेक 20 मिनट्स। ओके सो एंड स्टार्ट विद द सब्जेक्ट जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। फेस योर फियर्स एंड कम बैक स्ट्रॉन्ग। ओके स्टार्ट विद फिजिक्स। आई नो बहुत बच्चों को फिजिक्स नहीं लगता होगा। स्टार्ट विद फिजिक्स। फिजिक्स में बच्चा आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन लगाना फ्रॉम योर मॉड्यूल और वट एवर बुक यू प्रेफर। ओके आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाना है 2 घंटे के लिए। अगर आप 7:20 पर बैठते हैं, 9:20 तक आप क्वेश्चन लगाओ और एनालाइज करो कि आपने क्या गलत किया, आपके कौन से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो। उसके बाद गो फॉर ब्रेकफास्ट। अब मम्मा ने बुला लिया है तो ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गो फॉर ब्रेकफास्ट एंड बच्चा उसके बाद आप आधे घंटे में वापस आइए, फिर से पढ़ने बैठिए और खुशी और एक मोटिवेशन के साथ, ठीक है। सो आप स्टार्ट करो बायो से। बायो में बच्चा आपको टिल 12:30 तक आपको बायो करनी है। बायो में आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी। उसके बाद उसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद से विद इन 5 से 10 मिनट्स, और ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या उस चैप्टर में से याद है और क्या नहीं याद है। उसके बाद बच्चा उसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। एंड 12:30 तक आपने कर लिया। अब कुछ दिन के लिए मम्मा को बोल दो, या फिर अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपका टिफिन आता होगा, उस टिफिन वाले भैया को बोल दो कि मेरा लंच थोड़ा जल्दी ले आएंगे, ठीक है। तो आप 1:30 तक लंच कर लो, हैव योर लंच। उसके बाद बच्चा आपका पेपर कब है, फ्रॉम 2 to 5। सो आपको क्या करना है, 2 to 5 तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, तो आपको पूरा सॉल्व करना है, साथ में मार्क्स भी भरनी है। और 2 बजे से 5 बजे तक अलार्म लगाओ, 3 घंटे में अपना पूरा पेपर कंप्लीट करो। उसके बाद गो फॉर टी, ठीक है। कम बैक, देखो आपकी कौन सी क्वेश्चन ठीक होगी, पेपर को एनालाइज करो। अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो तो उस अगले दिन का स्केड्यूल बना लो कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वो चीज़ भी ऐड कर लेना कि मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा तो मुझे आप लिखना, ठीक है। बच गए कितने, लाइक 6:30। उसके बाद बच्चा गो फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में थ्योरी रीडिंग स्पीड के साथ, क्वेश्चन जितने हो सके सब करें। जैसे सुबह फिजिक्स के क्वेश्चन लगाए और केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाए। आपने 2 घंटे ये काम कर लिया। अपना डिनर करो, कल का प्लानिंग करो कि मुझे सुबह उठ के फिजिक्स का कौन सा सब्जेक्ट करना है, तो उस सब्जेक्ट के लिए कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है। तो उस चैप्टर के लिए रात में थोड़ा सा पढ़ लो ताकि सुबह उठ के अच्छे से क्वेश्चन कर सको। टिल 11:30 गो फॉर स्लीप, अच्छे से सो। 6 से 7 आवर्स की स्लीप,